धन गुरु गोबिंद सिंह ने ड्यूटी लगाई है भाई मनी सिंह की। साडा परिवार साडा रिश्तेदार रोपड़ शहर के उच्चा खेड़ा महल्ले वसद इस जगह के नाल एक घर है। उस घर पहला भी मातावां माता जी आ चुकी ने। माता सुंदर कौर जी माता साहब कौर जी दिल्ली चो चलते ने दिल विच गल्लां करदियां हुंदियां ने। बड़े देर बाद असी अपने पुत्रां नूं जाके मिलांगियां असी अपने पुत्रां नूं गोद विच लवांगियां उहनां नूं प्यार दे नाल गल दे नाल लावांगियां। किहड़े किहड़े मार्ग ते गुरु गोबिंद सिंह जी गए किहड़े किहड़े रस्तियां ते गए ओ इतिहास दे पन्ने तुहाडे तक लैके आवांगे जिहड़े किते अज अणसुणे साडे कोलों रहि गए। दास्तान सफरे शहाद दे इस एपीसोड दे विच सरसा नदी ते विछोड़ा पैण तो बाद माता साहिब कौर माता जीतो जी अते होर सिंघा सिंघणियां दे नाल किस मार्ग ते चलते हैं आओ उस मार्ग बारे ते उस इतिहास बारे जाणीए। सरसा नदी ते जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे परिवार दा विछोड़ा हुंदा है गुरद्वारा परिवार विछोड़ा तो तकरीबन 15 किलोमीटर ते शहर आउंदा जी रोपड़। रोपड़ शहर दे अंदर पुराना महला है जिन्हों उच्चा खेड़ा कहिंदे ने। इसे महल्ले दे बिल्कुल नाल राजा भूप चंद दा पुरानी हवेली भी है जिथे आ करके वो रहायश रख्या करदे सी। जदों टेढ़ियां मेढ़ियां गलियां दे अंदर नू चलदे हुए पहुँचते हैं जी ये एक आप जी नू दो मंजिली पुरातन घर दिखाई दे रहे है। इस घर दे विच माता सुंदर कौर जी ते माता साहिब कौर जी रात गुजारदे ने। जदों ये घर उस समय घर सी अज गुरु के महल बन चुकिया क्योंकि इस गुरु के महल दे विच माता सुंदर कौर जी माता साहिब कौर जी अपने परिवार नालों बिछड़ के एक दिन ते एक रात इत्थे रुक के अगे चाले पाउंदे ने। जदों इतिहास की गल करांगे सरसा नदी तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पार हो जांदे ने नाल बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी होर सिंह नाल ने पिंड कनौले पहुँच जांदे ने। पिंड कनौले दे विच ही भाई धन्ना सिंह जी ते भाई जवाहर सिंह जी अरोड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं जाके फतेह सांझ करदे ने। महाराज जी साडे लई की हुक्म है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भाई धन्ना सिंह ते भाई जवाहर सिंह जी दे कोलों पुछदे ने दसदे ने कि कुछ सिंह जिहड़े ने उह सरसा दे विच भेट हो गए ने कुछ सिंघां दा अता पता नहीं लग्गिया ते साडे लई की सेवा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहन लगे धन्ना सिंह ते जवाहर सिंह जिहड़े अरोड़ा सी उहनां नूं भी पातशाह ने कहा भी सब तो पहला भाई मनी सिंह की ड्यूटी लगी हुई सी माता सुंदर कौर जी ते माता साहिब कौर जी दे नाल उन्हां दे नाल दो टहलणा दो सेवादारनी ऐसियां एक दा नाम सी बीबी बीबो जी ते दूजी दा नाम सी बीबी भागो जी ते जवाहर सिंह जी तुसी भाई मनी सिंह दे जथे दे नाल जाके रलो ते उन्हां नूं किसे सेफ जगह दे उत्ते उन्हां नूं किसे ऐसी जगह ते पहुँचाओ कि इन्हां वैरियां दी जालमां दी अख उन्हां तक ना पहुँच सके। भाई जवाहर सिंह जी कहन लगे रोपड़ शहर दे अंदर मेरे परिवार मेरे रिश्तेदार ने मैं उन्हां दे कोल माता जी नूं लै जाना। धन्ना सिंह जी ते भाई जवाहर सिंह जी अरोड़ा उत्थों चलदे ने आ करके भाई मनी सिंह जी ते मातावां माता सुंदर कौर ते माता साहिब कौर नूं मिलदे ने ते वचन करदे ने कि साडी ड्यूटी लगी है धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने ड्यूटी लगाई है भाई मनी सिंह जी साडा परिवार साडा रिश्तेदार रोपड़ शहर दे विच उच्चा खेड़ा महल्ले दे विच वसदा है। इस जगह ते नाल एक घर है उस घर विच पहला भी मातावां माता जी आ चुकियां ने। इत्थे नेड़े एक होर घर है उस घर दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहिब भी आ चुके ने। इत्थे ही उस घर दे विच पालत पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी दा गोद लिता पुत्र बाबा जोरावर सिंह भी रुक के जांदे ने। बड़ा लंबेरा इतिहास है मातावां भी जानदियां ने
उस महल्ले दे विच उच्चा खेड़ा महल्ले दे विच हुण जिहड़े इस घर दे आप जी दर्शन कर रहे हो ये उस समय भाई जवाहर सिंह अरोड़ा दे रिश्तेदार दा घर सी। इस घर दे विच आप जी दर्शन कर रहे हो उच्ची पौड़ियां चढ़ के आउंदे आ जी। दो मंजिला घर है इहदी मरम्मत कीती है लेकिन पुराना घर यह कह लिए कि अज गुरद्वारे बहुत बन गए ने। जे किते आप जी ने पुरातन घर दे उस कंधां दे दर्शन करने होण तां इह घर अज मौजूद है। संगत जी आप जी आके दर्शन कर सकते हो रोपड़ शहर दे विच महला उच्चा खेड़ा दे विच गुरु के महल अस्थान आ पुरातन अस्थान अज भी मौजूद है। इस घर दे विच माता सुंदर कौर ते माता साहिब कौर जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है इत्थे दिन गुजारदियां ने रात गुजरदी है। अगले दिन 8 पोह नूं सवेरे भाई मनी सिंह जी भाई धन्ना सिंह जी भाई जवाहर सिंह जी वल्लों एक व्यूंत बनाई जांदी है कि इन्हां तों किवें मातावां नूं बचाया जावे। उस समय एक गड्डा मंगाउंदे ने ते भेस बदले जांदे ने मातावां नूं गड्डे दे अंदर पालकी दे अंदर बिठाया जांदा जी। ते धन्ना सिंह जवाहर सिंह जी इन्हां ने भेस बदले भाई मनी सिंह जी ने भेस बदलिया। अगले दिन 8 पोह नूं सवेरे इत्थों भाई मनी सिंह धन्ना सिंह जवाहर सिंह जी मातावां नूं लै करके दिल्ली वल रवाना हो जांदे ने। दिल्ली दे विच भाई जवाहर सिंह दी जिहड़ी हवेली सी कुचा दिलवाली सिंह गली जिहड़ी है उस जगह ते अज गुरद्वारा नहीं है उस जगह ते मंदिर है जी। अज मैं उस जगह ते दास ने दर्शन किए ने। साडे पंथ नूं चाहीदा कि उस अस्थान दे उत्ते भी ध्यान दिता जावे। तो माता सुंदर कौर जी माता साहिब कौर जी भाई मनी सिंह धन्ना सिंह जवाहर सिंह दे घर चले जाते हैं और उत्थे ही रहिंदे ने। बाद विच जाके जदों बड़े साहबजादे शहीद हो जाते हैं छोटे साहबजादे शहीद हो जाते हैं मातावां नूं खबर नहीं दित्ती जाती। उस समय जदों भाई मनी सिंह जी नूं हुक्म हुंदा गुरु गोबिंद सिंह जी का कि माता सुंदर कौर जी ते माता साहिब कौर जी नूं वापस लिआउंदा जावे उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी दमदमा साहिब की धरती ते मौजूद ने। माता सुंदर कौर जी माता साहिब कौर जी दिल्ली तों चलदे ने दिल विच गल्लां करदियां हुंदियां ने। बड़े देर बाद असीं अपने पुत्रां नूं जाके मिलांगियां असीं अपने पुत्रां नूं गोद विच लवांगियां उन्हां नूं प्यार दे नाल गल दे नाल लावांगियां। जदों दीवान सजिया हुंदा माता सुंदर कौर जी माता साहिब कौर जी पहुँचते ने गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान ने गज के फतेह बुलाउंदियां ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आले दुआले वेखदियां ने ते पुछदियां ने मेरा अजीत सिंह कित्थे है मेरा जुझार सिंह कित्थे है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे हाँ जी पातशाह अपने पुत्र कित्थे ने अपना अजीत सिंह कित्थे है अपना जुझार सिंह कित्थे है नले बाबा जोरावर सिंह जी पुत्र कित्थे ने बाबा फतेह सिंह जी कित्थे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे तुहानू दिखाई नहीं दिते। नहीं पातशाह जी असी तां चारे पासे वेख रहे कित्थे ने लाल सानू बड़ा दिल करदा लाला नू गोद विच लैण दा गले लग के प्यार जताउण दा। पातशाह कहन लगे आ देख मेरे पुत्र ओह तेरा अजीत सिंह है ओह तेरा जुझार सिंह है आ वेख तेरा जोरावर सिंह खड़ा ओह वेख तेरा फतेह सिंह सेवा कर रहा है। पातशाह जी ये अपने पुत्र ने अपने पुत कित्थे ने। पातशाह कहिंदे ये किहड़ा बगाने नहीं पातशाह अपना खून साडा खून मेरे पुत्र अजीत मेरा पुत्र जुझार मेरा पुत्र जोरावर सिंह ओह कित्थे है। महाराज कहन लगे माता सुंदर कौर जी ये तेरे पुत्र ने पातशाह नहीं मेरे कित्थे ने। पातशाह कहन लगे तेरे तेरे ते मेरे है ही कोई नहीं सी मेरा मुझ मैं किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। ये तो परमात्मा का हुक्म बजाउण आया ते जिन्हां नूं तूं मेरे कहनी है ना मेरे तो आ पुत ने इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार की होया मेरे चार चले गए आ मेरे हजारा पुत जींदे ने। ओ माता सुंदर कौर माता साहिब कौर ते दिल ते की बतीत होई होएगी जदों परिवार नालों बिछड़ के वापस गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल जांदियां ने दिल विच ए सदरां ने अज असीं अपने लाला नूं मिलांगियां पर ओ लाल नहीं मिलदे पर आ असीं लाल मिले आ अज असीं लाल अखवाउने आ। सानूं कहा गुरु गोबिंद सिंह ने तुसीं साडे पुत्तर हो कि असीं ओ किरदार निभा रहे हैं कि असीं सचमुच ही
माता दे पुत्र बनने दे लायक है। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार कि तुहाडे वास्ते अज केस कतल करा दिते, अज असी नशियां च लगे हुए हां, अज असी दर दर ते पट करे हां, सानू वेख के कहा सी ना। सो आओ वापस आइए उस कलगीधर पातशाह दा किड्डा लंबेरा इतिहास है। जुड़े रहना जी इस इतिहास दे नाल। ये पूरा मार्ग दास्तां सफरे शहादत किहड़े किहड़े मार्ग ते गुरु गोबिंद सिंह जी गए, किहड़े किहड़े रस्तियां ते गए, ओ इतिहास दे पन्ने तुहाडे तक लैके आवांगे जिहड़े किते अज अणसुणे साडे कोलों रह गए। ये इतिहास नूं लगातार वेखणा, दूजियां नूं भी दसणा कि आनंदपुर साहिब तों लैके सरसा नदी तक, सरसा नदी तों परिवार किहड़े हिस्सियां च विछड़ के किथे किथे पहुँचदा जी। संगत जी, अगर आप जी इस अस्थान ते आउणा चाहुंदे हो, इस अस्थान नूं किवें खोजिया गया, इस अस्थान दे उत्ते कीदा घर सी, इहदी जानकारी आपां इत्थे ग्रंथी सिंह तों लैंदे आ जी। उस तों बाद चलदे आ मार्ग गुरु गोबिंद सिंह जी दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु दी प्यारी साध संगत जीओ, जिस अस्थान दे आपां दर्शन कर रहे हाँ, यह अस्थान खालसे दियां मातावां धन धन माता सुंदर कौर जी, धन धन माता साहिब कौर जी, उन्हां दी चरण छोह प्राप्त अस्थान है, जो कि ऊंचा खिगड़ा महला रोपड़ दे विच स्थित है। इस अस्थान की खोज भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी खालसा तो गुरु साहिब धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने आप कृपा करके इस अस्थान की खोज करवाई। तो यह अस्थान 2017 दे विच संगतां दे सामने आया। 19 फरवरी 2017 नूं इस अस्थान दे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके गुरद्वारा साहिब गुरु के महल स्थापित किया गया। इस अस्थान सामने आने तो पहला इस घर दे विच कृपाल मंदीन ते बीबी जसपाल कौर उन्हां दा परिवार निवास करदा सी। सो साध संगत जीओ, उस परिवार नूं संगतां वल्लों बनदी भेटा दे के इस अस्थान दी जो रजिस्ट्री है गुरु ग्रंथ साहिब दे नां करा के गुरद्वारा साहिब गुरु के महल स्थापित किया गया। ते दास इस अस्थान दे उत्ते ग्रंथी सिंह दी ड्यूटी निभा रहा है। ते बाकी सारे प्रबंधक कमेटी ते साडे बाबा जी भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी खालसा इस अस्थान की सेवा संभाल बड़े सुचजे ढंग दे नाल कर रहे हैं। सो साध संगत जीओ, जिन्हां ने संगतां ने इस अस्थान के दर्शन करन दे लई आना होवे, वो कालज रोड तो भी आ सकते ने, ते ज्ञानी जैल सिंह नगर तो वाल्मीकि गेट के कोलों उपरों जो गली आउंदी है उस गली राहीं भी आ सकते ने, ते बाज़ार विचों भी बहुत सारिया गलियां इस अस्थान के उत्ते पहुँचदियां ने। भावें गलियां तंग ने, पर साध संगत जीओ सारिया संगतां का फर्ज बनता है कि असी इतिहासक अस्थानां दी जो दर्शन है करन दे लई उपराला करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਘਨੌਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਲਤ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਲਤ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਘਨੌਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ,
तो गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा बचित्र सिंह जी नूं इस पासे भेज के आप रोपड़ शहर वल हो जांदे ने। पर जदों उन्हां नूं पता लगदा आगे आई रोपड़ तुरकारी, बहुत पठान होत जह मारी, घोड़े जोड़े उन देत इनाम, भए बेईमान ना आए काम। वह अगों बेईमान हो गए जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो खुशियां प्राप्त करते सी, अगों उन्होंने भी तलवारां कढ विखाइयां ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल जिहड़े सिंह सी उन्होंने रोपड़ दे विच मुकाबला किया। इस जगह दे उत्ते बाबा बचित्र सिंह जी पालत पुत्र जोरावर सिंह जी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के इस जगह दे उत्ते जंग लड़दे ने। किड्डी कमाल दी गल है, बाबा अजीत सिंह जी नूं पता लगदा कि बाबा बचित्र सिंह जी जंग लड़ रहे ने। उधरों बाबा अजीत सिंह जी पता लैण वास्ते सिंघां नूं नाल लैके घोड़े दड़ाउंदे ने। जदों मलकपुर रंगड़ा पहुँचते ने उदों तक 100 दे करीब सिंघां दा जथा इत्थे शहीद हो जांदा। बचित्र सिंह बहुत जख्मी हालात विच ने ते पालत पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी दे शरीर दे उत्ते 22 फट लगे ने जी। उस समय कुछ सिंघां दे समेत, क्योंकि सारे मुगलों का जिहड़ी टुकड़ी सी उन्हां नूं मार के तां सिंह शहीद होंदे ने। घोड़ियां दे उत्ते बाबा बचित्र सिंह जी दे शरीर नूं ते बाबा जोरावर सिंह जी दे शरीर नूं लै करके ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਤ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਐਪ।